हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजी एडुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट ज्वाइनिंग से रिलेटेड। जैसा कि आप लोगों को पता है कि BPSM के द्वारा जो है सभी जिले के पदाधिकारी को जो है लेटर फॉरवर्ड कर दिया गया है कि जो भी एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के बचे हुए पैनल से कैंडिडेट हैं उन लोगों का नियोजन जो है सभी जिले में फिर से आरम्भ कर जल्द से जल्द उन लोगों का नियोजन जो है किया जाए। तो इसके लिए आप लोगों को जो है जिला पदाधिकारी के पास जाके क्या क्या बातें करनी होंगी और आप लोगों को किन किन बातों का ध्यान जो है खास रखने होंगे, पूरे इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन है, उस पर आप क्लिक करके जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि इस चैनल के द्वारा जो भी अपडेट दिया जाए उसका सीधा नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को जो है जिस जिले के पैनल में आप हैं उस पदाधिकारी से आप लोगों को जाके मिलने होंगे। वहाँ पे स्थापना शाखा से आप लोगों को कॉन्टैक्ट करना है। वहाँ पे जो भी उस जिले में रिक्ति खाली है उस पे जो आप लोगों की ज्वाइनिंग की बात आप लोगों को करनी होगी। अगर स्थापना शाखा या जिला पदाधिकारी के द्वारा बताया जाता है कि यहाँ पर जो है कोई भी रिक्ति खाली नहीं है तो आप अपने निकटवर्ती जिले जो भी उस प्रखंड में आते हैं वहाँ पे जाएं, उस पदाधिकारी से बात करें, वहाँ पे एक लेटर आप लोग टाइप करके दें कि इतने कैंडिडेट जो है यहाँ पे बचे हुए इस पैनल से हैं और यहाँ पे आप लोग जो अगर एक पद खाली है तो वहाँ पे आप अपना जिले में जो है हम लोगों का नियोजन करवाएं। तो इससे होगा क्या कि उस ज़िले में जो भी रिक्ति खाली होगी, जिस भी विभाग में खाली होगी, सभी रिक्ति जो है जिला पदाधिकारी अपने पदाधिकारी से मांगेंगे और वहाँ पर आप लोगों का नियोजन जो है जल्द से जल्द करवाएँगे। मैं आप लोगों को जो है समस्तीपुर का एक लेटर दिखाना चाहूँगा। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे कुल जो है 40 विभाग से जो है वहाँ के पदाधिकारी ने रिक्ति मांगी है। तो इसी तरह आप अपने निकटवर्ती ज़िले में जाए और वहाँ पे जाके जैसे ही आप लोग बात करेंगे तो आप लोगों को ये देखने को मिलेगा कि उस ज़िले में जो भी रिक्ति खाली है आप लोगों को पता चल जाएगा कि कितने रिक्ति उस ज़िले में खाली है और कितना लोगों का वहाँ पर नियोजन होने वाला है। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप लोगों के पास समय कम है, इसीलिए आप लोग जल्दी जल्दी जो है अपने अपने ज़िले के पदाधिकारी से मिले और वहाँ पे अपने नियोजन का बात रखें। उसमें मेन बातें ये होनी चाहिए कि आप लोगों का जो है नियोजन जल्द से जल्द करवाया जाए, क्योंकि अगर बेल्टोन एक बार अपनी नियोजन स्टार्ट कर देती है तो आप लोगों की नियोजन फिर रोकी जा सकती है। तो इसीलिए आप लोगों के पास समय कम है और आप लोग सरकार को कोसने के बजाय BPSM के द्वारा जो आप लोगों को ऑर्डर दिया गया है उस ऑर्डर लेटर को लेकर आप अपने पदाधिकारी से मिले। वहाँ आप लोग होगा क्या कि आप लोग अपने नियोजन की बात रखेंगे और नियोजन की बात रखने के बाद आप लोगों के नियोजन जो उस ज़िले में हो पाएगी। दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से बस आप लोगों को यही मोटिवेट करना चाहता था कि आप लोग अपने पदाधिकारी से मिले और अपनी नियोजन की बात करें। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि समस्तीपुर में कुछ कैंडिडेट वहाँ पर अपना जो है एप्लीकेशन दिए थे तो वहाँ पर जो है पदाधिकारी के द्वारा सभी विभाग से जो है रिक्ति मांगी गई है और कुछ दिन में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि वहाँ पर जो है ज्वाइनिंग आरम्भ कर दी जाएगी। तो इसी तरह आप लोग भी अपने ज़िले में मिले और पदाधिकारी से अपने नियोजन की बात रखें। और दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि एक दिन जाने से आप लोगों का नहीं होने वाला। आप लोग प्रत्येक दिन 10 कैंडिडेट ऐसे जो साथ में मिलके जो है जिले के पदाधिकारी से मिले और वहाँ अपने जो है नियोजन की बात प्रत्येक दिन रखें। अगर आप 10 दिन कंटिन्यू वहाँ पर जाते हैं तो आप लोगों पर जो है खास ध्यान दिया जाएगा और स्थापना शाखा से कॉन्टैक्ट में रहिए, क्योंकि स्थापना शाखा के द्वारा ही आप लोगों की रिक्ति और नियोजन हो पाएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बस यही बताना चाहता था और आगे के अपडेट के लिए मैं इस चैनल के माध्यम से इसी तरह वीडियो बना के आप लोगों को अपडेट देते रहूँगा। तो आप लोग अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। और ज्वाइनिंग से रिलेटेड या एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट से रिलेटेड कोई भी आपके मन में कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो दोस्तों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक भी है, वहाँ से आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करें और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लें ताकि आप लोगों को जो है आगे का इन्फॉर्मेशन जो है ग्रुप के माध्यम से भी मिल सकें। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।